मैं शिवम कक्षा पहली से आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मोर और हंस की। इसका शीर्षक है एक घमंडी मोर और एक बुद्धिमान सारस। ध्यान से सुनेगा। एक मोर था, वह सारा दिन अपनी सुंदरता का घमंड करता रहता था। वह बोलता, मेरी पूंछ कितनी सुंदर है। वह बोलता, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। वह बोलता, मैं मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के आगे कोई टिक न पाया होर। वो नदी के किनारे जाता और वहाँ उसको एक सारस मिलता। वह सारस को देख के अपना मुंह मोड़ लेता और सारस को कहता, तुम कितने रंगीन पक्षी हो। मोर बोलता, तुम्हारे पंख कितने सीधे सफेद हैं। सारस बोलता, तुम्हारे जितने सुंदर पंख तो नहीं है, पर तुम आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकते हो। यह बोलते ही सारस आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ गया। यह देख के मोर बहुत शर्मिंदा हो गया और उसने सोचा, क्या फायदा इतने सुंदर पंखों को अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।